सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 20 फरवरी 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 20 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। नवज्योति स्पेशल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, रीट, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए। स्पेशल क्यूज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। भास्कर विशेष बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। रीट शिक्षक भर्ती को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। रीट शिक्षक भर्ती मामला, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट से सुनवाई। सरकार की बड़ी घोषणा, 70,000 में से 3,552 पदों पर कर दी है घोषणा, बाकी 66,448 पदों पर अब जारी होगी भर्तियां। टोटल 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी बजट में, जिसमें रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी भर्तियां शामिल है। राजस्थान में भाजपा सरकार की पहली भर्ती, आवेदकों के लिहाज से अब तक की तीसरी सबसे बड़ी। पशु परिचर भर्ती 5,934 पदों के लिए रिकॉर्ड, 17,00,000 से अधिक आवेदन, हर एक पद के लिए 297 अभ्यर्थियों में मुकाबला, अब परीक्षा कराना चुनौती। प्रदेश की 12 बड़ी भर्तियां, वन रक्षक भर्ती 22,00,000 अभ्यर्थी, कांस्टेबल रीट शिक्षक भर्ती, एलडीसी पटवारी सीटी। पशु परिचर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 17,00,000 से अधिक आवेदन, नवज्योति न्यूज। जेएनएम द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षा का परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक, नवाचार और नई तकनीक का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक प्राथमिकता से पहुंचे। शिक्षा मंत्री, मॉडल स्कूलों में योग्य और समर्पित शिक्षकों के चयन पर विशेष जोर। आरएएस भर्ती परीक्षा में नेत्रहीन दिव्यांग को शामिल नहीं करने का मामला, हाईकोर्ट ने आरपीएससी पर लगाया 5,00,000 का हर्जाना, नवज्योति न्यूज जयपुर। आरपीएससी नई सेकंड ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष के 300 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू। इधर काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अवसर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामला, नवज्योति अजमेर। आरएएस 2021 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं आज से होगी वेबसाइट पर अपलोड, अभ्यर्थी अवलोकन के लिए 5 फरवरी से 30 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। आरओ एवं ईओ परीक्षा का जल्द जारी हो अंतिम परिणाम, अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। पेपर लीक में एक और आरोपी गिरफ्तार, जेल सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामला। ग्रेड सेकंड एसएसटी अध्यापकों को स्कूल अलॉट, कश्मीर से बीएड करने वालों को अब जारी किए नियुक्ति पत्र, 10 जनवरी को हुई थी काउंसिल अजमेर सेकंड ग्रेड। भास्कर न्यूज ब्रीफ, आरआरबी साइकिलों को पायलट के पदों के आवेदन में संशोधन आज से। नेशनल मींस का मेरिट छात्रवृत्ति में सत्यापन की अंतिम तिथि। कोटा विश्वविद्यालय, ऑनलाइन आवेदन भरने में हुई गलतियां, करेक्शन के लिए विंडो नहीं खोली, सह करवाने को लग रही है भीड़ कोटा, अब अतिक्रमण हटाने की होगी कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा के स्कूल कार्यालय व खेल मैदानों पर कहां कहां पर हुआ है अतिक्रमण। परीक्षा में लापरवाही पर नुक्स की भरपाई संबंधित अधिकारियों से होगी, श्रीगंगानगर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, यूजी के 1,50,000 अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 26 फरवरी से, अब डूंगर कॉलेज से भी
विद्यार्थी कर सकेंगे AI ओ लेवल सहित अन्य कंप्यूटर कोर्स। गेट आंसर की जारी ऑब्जेक्शन 22 से 25 तक। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। LDC भर्ती 2024 आज से। कोटा संभाग में 86 सेकेंड ग्रेड हिंदी शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग आज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के इंटरव्यू फिर शुरू। CTET 2024 21 जनवरी को हुआ था आयोजन। 2.38 लाख अभ्यर्थी योग्य। पेपर टफ नतीजा 22.76 में से 20.37 लाख अभ्यर्थी बाहर। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। CBSE 10वीं 12वीं की मुख्य विषय की परीक्षाएं शुरू। किसी ने पेपर सरल तो किसी ने एवरेज बताया। भर्ती परीक्षाओं की घोषणा। CET में फंस रहा पेंच। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। CET वेज नॉन CET परीक्षा दिनांक। CET 40% करे सरकार। हर छह महीने में हो रही CET। CBSE वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी NCERT केंद्रित रहे पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए। 12वीं हिंदी पेपर लंबा रहा लेकिन बहुत कठिन नहीं। समय प्रबंधन करने वाले अच्छा स्कोर करेंगे। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखा तो हो सकता है डिबार। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। पहले कहा जुलाई अगस्त तक होगी CET, अब बोला मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर। परीक्षा में देरी से लाखों युवाओं के सपनों पर फिर सकता है पानी। राजस्थान पत्रिका न्यूज उदयपुर। CET प्रदेश के 201 सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में खुलेगी रोबोटिक्स लैब। उदयपुर के 12 स्कूलों का चयन। हाई कोर्ट ने कहा दिव्यांगों के अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नियुक्ति। माइक्रो ऑब्जर्व परीक्षाओं के संचालन का करे सूक्ष्म अवलोकन DO धौलपुर। MGSU की मार्कशीट अब ऑनलाइन। अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। सर्टिफिकेट भी नेट से मिलेंगे बीकानेर। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर दिया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन बूंदी। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। नवज्योति न्यूज अजमेर। दिव्यांग को नियुक्ति नहीं दी राज्य सरकार पर 10,000 का जुर्माना। जोधपुर हाईकोर्ट। VMOU में प्रवेश की दौड़ जारी। MSc प्रवेश के लिए काउंसलिंग की पहल। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। नवज्योति न्यूज़।